स्वागत है आपका लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। ईशान नदी की कंगाड़ी फटने से हजारों बीघा आलू और सरसों की फसल हुई चौपट। बताते चलें कि कन्नौज जनपद क्षेत्र के गांव नेरा और बहटा के समीप से निकली ईशान नदी की कंगाड़ी फटने से हजारों बीघा किसानों की फसल हुई चौपट। वहीं खुशी कोल्ड स्टोरेज के समीप भी जलमग्न पानी दिखाई पड़ा। किसान ज्ञान सिंह, बाबूराम, निर्मल, आलोक, दिनेश, ब्रजमोहन, अंशु, अमित आदि लोगों ने बताया कि नदी में पानी आ जाने से तेज बहाव हुआ, जिससे नदी की कंगाड़ी अचानक फट जाने से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल नष्ट हो गई है और खेत जलमग्न हो गए हैं। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी का नौ से मांग करते हैं कि किसानों के हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलवाने हेतु आदेश पारित करें। ऐसी स्थिति में किसान भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगा, क्योंकि आलू की फसल खाद कीटनाशक काफी महंगा होने के कारण फसल बर्बाद हो गई है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों के नुकसान का भरपाई करने की अनुमति दे। लाइव टीवी समाचार के लिए चंदगी राम मिश्र की रिपोर्ट। आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई खबरों के साथ।